बाहर निकले तो मैंने कहा यार चाचा बच्चे वाला जा रहे हैं, इससे बच्चे देख लेते हैं क्या है चाचा। देखा यार गोदा कि में यार ये नाराज क्या है। अच्छा दे तो सही साकू भला अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जो माशाल्लाह व्लॉग हमारा हो गया स्टार्ट, तो आप सब कैसे हैं जी? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो माशाल्लाह से आज मौसम की सूरत हाल देखें, बड़े ज़बरदस्त और VIP है। ये देखें बादल बादल बने हुए हैं हर तरफ से, ये देखें बादल बादल बड़े ज़बरदस्त VIP मौसम की सिचुएशन बनी हुई है। और माशाल्लाह से ठंडी ठंडी और प्यारी प्यारी हवा चल रही है। और उसके बाद हमारे कबूतर देखें यहाँ पर खेल रहे हैं ठंडी ठंडी हवा में, क्योंकि बारिश आई है ना, बारिश की वजह से जो है ना अभी मौसम ज़बरदस्त और VIP पप्पू सा मौसम हो गया है माशाल्लाह से। और आप लोगों को बताऊँ क्या है ना, दूसरा तीसरा दिन है कि तबीयत मेरी बिल्कुल ख़राब है, थोड़ी गला वगैरह ख़राब है और खांसी ज़ुकाम वगैरह जैसे अब होती है ना, तो मौसम के चेंजमेंट की वजह से। तो वैसे ही माशाल्लाह से पहुंचे हैं अभी दादी के पास। आज दादी का भी हाल है। वालेकुम सलाम। ओ क्या हो गया? मैं पिया जाड़ा को साल पिया चंगा दादी दा हैं बीमार थई हैं को खा आ गई अन्ना सलाम। ओ हो 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 हो, बुखार आ गया है आपको आज? ओए होए 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 होए, ये क्या बात रही हो? ए मंजी दा वाण बदेंदी पिया, मंजी दा वाण बदेंदी पई वाला वाला मंजी बने से साया मंजी बीमार। अच्छा तो आजकल काम बहु घट किया करो ना दादी। दादी आपकी तबीयत खराब हो जाती है ना, आप थोड़ा काम कम किया करो, घट काम किया करो, यही वजह तू तेरी तबीयत खराब हो वेंदी है। नहीं निकमी नहीं बैठो वाल भी, काम थोड़ा कम किया करो ना यार। सही कह रहा हूँ ना मैं यार? दादी बहुत ज्यादा काम करती है जिसकी वजह से फिर बीमार हो जाती है। दादी दादी ए ए ए देखो क्या है कान नाक ते ए पोपे पोपे है। वाह जी वाह, पोपा पाड़ी दादी आगो ते की मैं की ने पोपा पाड़ी ना तो खाए वाह जी वाह जी वाह, सदके 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 पापा पाई खड़े या चुनी छक दे नहीं। ए वाह जी वाह वाह जी वाह वाह जी वाह, काले चो है ब काले कट माला होवे, मेरे सुल्ताना न दे दिल बने लाल होवे। वाह जी वाह वाह दादी वाह, वाड़ी मेरी मिठी दादी, वाड़ी मेरी सोनी दादी। दादी कब का बुखार आया है आपको? कई पता नहीं लग जाए, इवे रड़ आए वजूद तक, इवे जो उठ दी था कि ने हां मेरा ढांग। फिर आपको गोलियां भेजूं? गोलियां खा के गोलियां की दी। कहां से लाई हो गोलियां? गोलियां रत्या हां अख पानी दे दिया ना। हाँ वो गोला खा जाए अख पानी का नहीं दे। अच्छा और गोली भेजूं आपका बुखार उतर जाएगा? कहीं पता ही का नहीं लगता, कल तो सारा दिन पई रही और तू लेट गिंदे पानी। अच्छा मैं सुलेमान को बोलता हूँ ना आपको अभी गोली देगा ना तो फिर वो खा लो फिर बुखार भज जाएगा। दादी मुझे भी ऐसे नजला जुकाम चिंबड़ा है और वो अब्बू की वजह से, अब्बू को जुकाम हुआ ना तो इसी वजह से मुझे भी जुकाम और खांसी हो गई है। तो एक दूसरे का जूठा जब मतलब वो करते हैं ना, ये तो वायरस जुकाम की ऐसे ही है, मतलब एक से दूसरे बंदे को लगती है तो इसी वजह से मुझे भी लग गई दादी। हाँ गोली खादे रात आराम।
अच्छा ये देखे जी, इस भूतरे के साथ जो है ना दादी वाण बत्ती है, ये देखो इसके साथ फिर ये वाली जो मंजी है ना, ये वाली ये इसी वाण के साथ बंधी हुई है। इस तरह हम बनाते हैं ये मंजियां, है ना दादी। हम गांव में ऐसे ऐसे हाँ गाले दादी, अपनी कंजेर बनाई, रोटी रखण दी, अपनी कड़ी बनाई, खटड़े ते वठेरण दी, अपना वाण बदा मंजी दा। हाँ। आप वाणा चा कहीं को ना आख्या, ठीक है वाला पोतरे दे काम कीते पहली खटड़े दा तड़ी काई नी, खटड़े दी वाण काई नी दादी। अच्छा सही है, चले जी माशाल्लाह। दादी भी कह रही है माशाल्लाह कि आपकी आप शादी करवाते हैं, पहले मुंशी भाई की और फरमान भाई की शादी करवा लेते हैं, फिर मेरी शादी करवाएगी, हो जाएगी घर ने देसे वाला सत्तो वाले से हाँ ये हुई ना बात। वाह जी वाह दादी, वाह जी वाह दादी, गलापा गलापा मैच हार गया ट्रॉफी मेरे को कह नहीं मिली दादी। अच्छा हाँ, बड़ी मेहनत की तम हार गया। हाँ दादी टीम आखिर जीत गए थे? नहीं हाँ। मेरी टीम हार गई थी। भी के नहीं टीम जीती? अगर मेरी टीम जीत जाती ना हाँ। तो मुझे ट्रॉफी मिलती बड़ी बड़ी। हाँ बहुत ट्रॉफी मिलती। मैं को आगे नहीं कहे ना ये सब ले हाँ मेरा के आखे में अभी लोग नहीं बने ना हाली बोले मैं चाहते हर ये हार जीत किस्मत ते होंदी है दादी। हाँ, में गाल है रात आके तो फसल आ गए कि मतलब चारा ने मिलन दाने किन तो तू भी लोग ने बने दा। अच्छा वो भी लोग मेरा ये बड़ा वे ने रोज बाकी वो पड़े दा सुल्तान तू चाह गई हुंदी वो वाली खेद है तू बते। अब मजे मजे के व्लॉग बनाएंगे, सब लोगों ने देखना है। हाँ अब माह रमजान खत्म हो गया है ना, अब आपका भाई भी इजी हो गया है। पहले मैं बिजी था, इसी वजह से आप लोगों के साथ व्लॉग अच्छे अच्छे नहीं शेयर कर रहा था। अब मैं अच्छे अच्छे व्लॉग शेयर करूंगा, ठीक है दादी। हाँ दादी मैं गाल है। दादी फसल काटने के लिए जाएंगे हम, ठीक है जी। दादी के साथ गपशप लगा ली है माशाल्लाह से, तो अभी हम ना कल या परसों तक ना फसल काटना है, ठीक है ना। तो कोई दाने शाने इकट्ठे करने हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्योंकि ये है ना कि बारिश आ गई है ना, बारिश की वजह से थोड़ा सा वेट कर लिया है, क्योंकि बारिशों में ना फसल नहीं काटी जाती, ख़राब हो जाती है। और तो क्या हाल है जनाब, ठीक हो तबीयत से? ठीक है भैया, क्या वजह? कोई तख्त नशीन कहनी। क्या वजह तू यार रुलदे आ कंडियां ते यार तू आदा जाही कहनी? अच्छा हां सही गाल है, तेरी मैं गाल समझता पे। चल ठीक है, तू अपना काम कर, मैं को अपना काम करा दे। तो माशाल्लाह जी प्लेटें हमने ये देखें बाहर रख दी हैं, क्योंकि हमारी बैटरी थोड़ी सी चार्ज हो जाएगी ना, और उसकी वजह से जो है ना ताकि हम ना थोड़ा सा मोबाइल भी चार्ज कर लें। तो सदके थी वहाँ खिलता सही,
मेकू थोड़ा मिलता सही। क्या हाल है? ठीक है, तबीयत ठीक है, शुक्र है। क्या करे रावत भाई यार आजकल, क्या करे रावत भाई? हां जी, कर कर लता फिर कर है, टांगे फिर गई है। हां टांगे दिखाना, दिखाना कहां फिर गई है आपके टांगे। ये देखो, ये देखो, ये तो तुम खुद कर रहे हो ऐसे 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 टूटता हूं ना। अच्छा हां जी, बद्दक की तरह? बद्दक की तरह। अच्छा वाह जी वाह, सही हो गया। चलो कोई खैर है आपकी टांगे। बेला हो गया ना, मैं चलो पानी शानी बहा लेता हूँ, नहा धो लेता हूँ। हाँ वाह यार, जिगर के टोटे लग रहे हो अल्लाह के बंदे। भेड़े हमारी चर के आ गई हैं, दो ही भेड़े, एक वो है और एक ये भेड़ है। और वो देखे ना सुलेमान, इसको लेके जा रहा है, इसको बांधेगा अभी, ठीक है ना। तो इसके फिर जो बच्चे हैं ना, इनका इसका दूध पिएंगे, दूध पिलाओ बच्चों को भी। वो देखो भूखे हैं, वो नहाने भी नहीं दे रही। खाड़ बांझे एक के नहीं है, ये एक है इसका। अच्छा तो दूसरी दूसरी भी नहाने देती है? ये जोर से नहाना पड़ता है इनको। ये तो दोनों चिंबड़ रहे हैं, ये खाड़ नहीं रही है, मुझे तो बांध दिया इसने। भाग रही है अपने बच्चे के बारे में, खड़ जाती है। देखो ये दूसरी का बच्चा, इसलिए अब खड़ी हो जाएगी। हाँ, अब नहाएगा वो, उसको भी नहीं नहाने दे रही है। इसकी माँ को अभी ले आएगा ना सुलेमान, फिर वो अपनी माँ को वो का दूध पिएगा और ये अपनी माँ का दूध पिएगा। डॉगी आ रही है जी। पकड़ा भेड़ को यार। बड़ा सी क्या हाल है? ये हमारे गांव का बड़ा बंदा, ये देखें आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखें हमारे गांव का बड़ा बंदा, ये देखें कितना कद लंबा है। अगर मैं इसके साथ खड़ू ना, ये मेरा कजन है, तो आप लोग देखेंगे किसका कद बड़ा है। ये देखें, देख रहे हैं मेरा इतना सा कद है और इसका इतना सा कद है। तो यार इतना कद क्यों बढ़ाया हुआ है आपने? पता नहीं क्यों, आपको पता नहीं है। मैं अगर आपको देखूं तो ऐसे करके देखता हूं। क्या हाल है सही, क्या हाल है सही, ऐसे देखता हूं। आपने इतना बड़ा कद क्यों किया हुआ है? मेरे बाप का भी बड़ा है। वो तो चाचे का कद बड़ा है ना, आपका तो उससे भी बड़ा हो रहा है अब है। उससे बड़ा हो रहा है कि छोटा? बड़ा, बड़ा हो रहा है यार। इतना बड़ा कद है माशाल्लाह, बहुत बड़ा कद है माशाल्लाह, ऊंचा। अगर इसको ना यहाँ पर खड़ा करे ना, ये इधर से आराम से खजूर है पाट लेगा, ऐसे ना खजूर पाट लोगे? पता नहीं, पता नहीं है। सही है, सही है। तू कितने में था भाई? आजकल भैर बकरियां तुम चलाते हो और कोई नहीं चलाता? भाई भी है। भाई हमारी बकरियां भी आप लेके जाते हो? हमारी दो भेड़ आप लेके जाते हो? अच्छा कितना पैसे लेते हो? पता नहीं, छोटा भाई लेता है। कितना लेता है? पता नहीं मुझे, मैंने तो आज तक नहीं लिया। अच्छा वो लेता है, सही है। मतलब अब आप दोनों ही चलाते हो भेड़ बकरियां? नहीं, आप दोनों? हाँ जी। सही है, तो कहाँ कहाँ तक जाते हो? बहुत दूर तक जाते हैं। दूर तक जाते हो? हाँ जी। शकीलाबाद भी जाते हो? हाँ जी। उड़े चरान चंगी है? नहीं, उड़े चलते हैं भेड़ा के? नहीं, नुकसान करती है। अच्छा तो अभी आप इस टाइम वापस घर आ गए हो? हाँ जी। तो फिर कब, कितने बजे जाओगे? तीन बजे। तीन बजे फिर जाओगे? हाँ जी। फिर इनको चराने जाओगे? क्यों, इनको भूख ज्यादा लगती है भेड़ों को क्या? जी हाँ। है जी। चलो बंदा एक दिन में एक दफा चराए, आप दो टाइम चराते हो। अच्छा जब ये चरती है फिर इनको कोई और घास शास नहीं डालते बाद में शाम को? पहले तो डालते थे, फिर दूसरा तीसरा दिन नहीं डालते। अच्छा ये चरती हैं बस, चराई करके वापस आती हैं बस, खत्म। ये बात है, भैर बकरियां तो वैसे भी चरती रहती हैं ना यार, तो क्योंकि घास वगैरह है नहीं हमारे गांव में इतना, लोग बस चरा चरा के ना बस मोटा ताजा करते हैं अपने भैरों को। जब तक भैर चरे नहीं ना और घास अच्छी तरह से नहीं खाती, नहीं खाती। हाँ जी, और फिर करती है ना अपने टांगे सीधी हो जाती है उनकी। ऐसी बात है, फिर घास अच्छा खाती है। बिल्कुल ऐसी बात है।
जनरल बात है आपकी, कर्नल बात है आपकी। हाँ जी हाँ, मैं अभी बाहर निकला तो मैंने कहा यार चाचा बच्चे वाला जा रहे हैं, इससे बच्चे देख लेते हैं क्या है चाचा। देखा यार गोदा किवे यार, कुकर मरे सी क्या ना आपने पता नहीं यार, ये दूसरी कुकर जो बच्चे निकालती है वो मारेगी तो नहीं है इसको? नहीं मरेगी, पक्की बात है। लेकिन ये बच्चे नहीं मरेगी। लेकिन पहले ये बच्चा 10 रुपए का मिलता था, अब आप 50 रुपए का दे रहे हो। तो यार घिनने यार बच्चे ऐसा, दो बच्चे दियो चार 50-30 रुपए हैं भाई। बच्चा कितने दा है? YouTube चैनल है साडा भाई, यार क्यों गुस्सा तिंदा भाई? कैंसिल कर क्या करवा 20 रुपए दा। देखो जेड़ा पकड़े थी ना यार, सुना मेरी गाल तो सुन, 20 रुपए दा जेड़ा तेको पकड़े थी मैं छुड़वे सा। अच्छा दे हुन बच्चे तो दे, 20 रुपए दा बच्चा दे वाला यार जितने दा दे यार, ये नाराज क्या है? अच्छा दे तो सही साकू वाला। ये देखें भी बारे ऐसी बात है हमारे गांव के, ये देखें ऐसा माहौल है, लोग हमें वीडियो भी नहीं बना रहे डर जाते हैं। फरमान देखो चेक करो यार, पहले 50 मैंने उसको बोला कि यार 50 का तो नहीं 10 रुपए का बच्चा मिलता है, फिर बोलता है 20 रुपए का दिया भी नहीं, फिर भाग गया वो। यार मैंने कहा 50 का ही लगा लो आप, हमें बच्चा तो दो, हमने लेने हैं बच्चे घर के लिए। लेकिन भगा के भाग गया वो भाई, भगा के भाग गया लुकमान। ये देखें ऐसे यार डरते हैं लोग, क्या करें यार। हमारा तो YouTube चैनल है आप सब लोगों को पता है, देखने वाले भी जितने आप सब लोगों को पता है। तो मैंने कहा यार बच्चे ले लेते हैं हमारे, क्योंकि छोटे छोटे चूजे हमने आपको दिखाए थे ना वो घर में है ना, तो मैंने कहा उसके साथ जो है ना घूमेंगे फिरेंगे चूजे, तो मैंने कहा वो ले लेते हैं। तो अभी लेने गए, मैंने कहा कितने का बच्चा है, कहते 50 रुपए का। मैंने कहा चलो वीडियो बना लो बच्चे ले रहे हैं भाई से। तो मैंने जब कैमरा निकाला मैंने कहा हाँ भाई कितने का बच्चा है भाई, कहता है मैंने ऐसे मजाक किया 20 रुपए का बच्चा है यार, कमाल हो गया यार। किधर जा रहे हो? डर गया था यार, सीधी सी बात बताऊं वो बेचारा डर गया है। उसने कहा अभी वीडियो बना रहा है, कोई सोशल मीडिया का बंदा तो नहीं है, लेकिन हम तो व्लॉग बना रहे हैं अपना, हम तो कोई सोशल मीडिया के बंदे नहीं है ना, हम जा रहे हैं थोड़े काम के लिए, हम वापस आते हैं भाई, ना तो हमें बच्चे दिए नहीं है। अच्छा तो अब हम आ रहे हैं वापस, चलो ठीक है। ये वाले हमारे चूजे थे जो आज हम ना ले रहे थे चूजे, तो फिर वो बंदा भाग गया, कहते कि आप मेरी वीडियो बना रहे हैं आप नेट पे भेज देंगे। यार क्या यार कैसे बंदे हैं। मैंने कहा चलो इसके साथ वो चूजे जो है ना छोड़ देंगे मुंशी भाई, तो कोई तो कुछ ज़्यादा हो जाते। एक बंदे के पास अभी बहर आया था, उसको मैंने बोला ऐसे कैमरा उठाया, मैंने कहा कितने का बच्चा है भाई, लेने के लिए गए थे बच्चे चूजे, तो फिर मैंने कहा कितने का बच्चा, कहता 50 रुपए का। तो फिर कैमरे की तरफ देखा, कहता वीडियो को बना रहे हो? मैंने कहा यार आप, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, आप मुझे छोड़ो इस बात को, आप बताओ कितने का। नहीं मैंने आपके साथ कहते मजाक किया है, 20 रुपए का बच्चा है कहता है कैमरा क्यों उठा रहे हो? और मैंने कहा भाई परेशान ना हो, अगर आप अगर आपने 50 रुपए का लगाया हुआ है ना तो कोई मसला कोई इश्यू नहीं है, आप बेचो 50 रुपए, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हम बच्चा खरीदने के लिए आए हैं, हम चूजे खरीदने के लिए आए हैं, आप हमें चूजे दे दें। भगा के बाइक भगा गया दिया भी नहीं। इधर लोग जो रहते हैं ना ये कैमरे से बहुत डरते हैं, बहुत डरते हैं, तो वो खड़ा ही नहीं है, वो भाग गया। काफी लोग हैं, कोई क्या हो जाती है पता नहीं क्यों भाग गए, क्या कर रहा था? कुछ भी नहीं, मैं चूजे लेने के लिए गया, मैंने उसको कहा चूजा दे आप मुझे, बच्चा दे ये वाला जो कुकड़ी का है। तो उसने पहले निकाला बच्चा निकाल गया ना, मैंने कैमरा ऐसे वीडियो बनाने की कोशिश की, उसने कहा कैमरा क्यों निकाल रहे हो? मैंने कहा कितने का बच्चा है, कहते 50 रुपए का। मैंने कहा यार कोशिश रियायत करो, कहते आप मेरी वीडियो क्यों बना रहे हो? मैं तो 20 रुपए का बच्चा दे रहा हूँ अच्छा फिर वो दिया भी नहीं, वो भाग गया। वो यार अपना बच्चा बेच रहा था, कुकर का बच्चा था, कुकर का बच्चा बेच रहा था, कुकर का बच्चा सोचा कि अपना बच्चा ओ यार कुकर का बच्चा बेच रहा था, यार कुकर का बच्चा था, भूख को अपना बच्चा बेच रहा था। नहीं नहीं अपना नहीं, कुकर का बच्चा बेच रहा था। अच्छा मैं सोचा कि अपना, तो मैंने उसकी वीडियो बनाई, वो डर के भाग गया। मैंने कहा यार मुझे वीडियो बनाने दो, मेरा तो यूट्यूब चैनल है। तू पूछा यार बच्चे किस लिए बेच रहे हैं तुम? कुकर के बच्चे बेच रहा था ना, मुर्गी के बच्चे। हाँ लेकिन वो उसको पता, वो मजदूरी करने आया था, अपनी मजदूरी कर रहा था यार। वो कुकर तो रो रही होगी,
नहीं वो जो वो दूसरे जो मशीन से निकलते हैं वो मुर्गे के नहीं थे, वो मशीन निकालती है उसको, फिर वो बेच देते हैं। उसका वनी वारस भी नहीं था, कुकर उसको तुरती फिरती थी, उसको चलाती थी, उसको ख्याल करती थी, बिल्ले से शिकरे से ख्याल करती थी, वो तो छोरे हो गए और रोने लगे। वो यार क्या थी वो पैदा ही माँ बाप के बगैर हुए हैं ऐसे ना बच्चे हैं माँ बाप के, वो मुर्गी के बगैर ऐसा नहीं ना। हमारी मुर्गी जब बैठती है ना, मतलब बच्चे निकालती है ना, तो इसको ना 20 दिन बिठाना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये छोटे छोटे चूजे निकालती है, तो फिर ये उनका ख्याल रखती है मुर्गी, जैसे ये ख्याल रख रही है। तो जब ये है ना कि दूसरे वो बच्चे निकलते हैं ना, वो अंडे जो होते हैं ना मुर्गी के, मतलब फार्मी जो मुर्गी के अंडे होते हैं, वो मतलब मशीन के जरिए वो बच्चे निकालते हैं। अब उनकी उन बच्चों की माँ मशीन होगी, इन बच्चों की माँ जो है ना ये कुकर होगी, मुर्गी होगी। अगर कुछ करूँ तो ये कुकर मुझे काटेगी। हाँ ऐसा ही है। जा अच्छा बच्चे पकड़ो, देखना ये कितना अपने बच्चों को ख्याल रखते हैं, देखना ये देखो, पकड़ना एक बच्चा पकड़ना, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, ये पीछे पीछे भाग के आएगी अगर बच्चा लेके जाओगे तो। ये होती है माँ, छोड़ दो भाई, ये मुझे दिखाओ। ओए होए निकला चूजू, ओए निकले चूजू, ओए गिर जाएगा। ये देखे कितना मजे मजे के निकले चूजू में। मौसम देखे ना ऐसा बना हुआ है, आज सारा दिन में धूप बिल्कुल भी नहीं निकली है, देखें सारा दिन में, और आज भी जो है ना डर है कि बारिश ना आ जाए, बारिश का फुल डर है आज। तो देखते हैं अभी, क्योंकि यार दुआ करते हैं कि बारिश ना आए, क्योंकि पक्की पकाई फसलें हैं लोगों की, वो फसलें तबाह हो जाएंगी, फसलें जो है ना बर्बाद हो जाएंगी, फिर क्या लोग खाएँगे। क्योंकि हम तो कहते हैं कि ना अभी बारिश ना आए, वो आ भी रही है बारिश। मुंशी नीचे दे दिया पाँव के, तेरी खैर हो वे। लुकमान को सलाम करो। यार मेरे भाई मेरी बात सुनो, मैंने आज फैसला कर लिया है, ठीक है ना, कोई नाराज हो या राजी हो, मैंने आज फैसला कर लिया है, समझ आ रही है आपको, ठीक है ना। हाँ बस समझ आ रही होगी तो ठीक है, अगर नहीं समझ आ रही तो ठीक है। आज मैंने फैसला कर लिया, जो मैंने फैसला कर लिया है ना वो होकर ही रहेगा। कैसे यार, मैं रोज़ रोज़ चुप रहता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग जैसा मर्जी करते रहेंगे। आज मैंने फैसला कर दिया है ना, तो आज वो होगा जो मैं बोलूँगा। आप बड़े आए इधर डीसीपी, बड़ा मैं हूँ आपसे। डीसीपी सीसीपी बड़ा नहीं है, ठीक है ना, बड़ा मैं हूँ, मैं भी बड़ा नहीं हूँ, बड़ी अल्लाह की ज़ात है। हाँ, अल्लाह की ज़ात से बड़ा मैं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने जो है ना हमें पैदा किया है, पहले तो अल्लाह की ज़ात है, अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट नंबर पर अल्लाह की ज़ात है, तो बड़ा कोई नहीं होता। और आज जो मैं करने जा रहा हूँ ना, ठीक है ना, जो मैं बोलूँगा वही होगा, और मैं जो कहूँगा वही होगा, इसमें किसी किस्म की कोई बात नहीं चलेगी। और आप जो है ना सोच लो समझ लो, ठीक है ना, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, मैं सोच समझ रखता हूँ, मैं जो बोलूँगा वही होगा। हेलो, कोई बात है कहने वाली? तो बात है, मैं कोई ऐसे चबलियाँ मार रहा हूँ? मैंने कहा कि चबलियाँ मार, फिर बात है तो आप बताओ कि हमें अक्ल लगी भाई। बात मैं आपसे कर रहा हूँ और बात आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, पता लगे क्या कह रहे। जो मैं बोलूंगा भी वही होगा, बस आज जो मैं बोलूंगा वही होगा, बस इसके अलावा मैंने किसी की नहीं माननी, मैंने भाई किसी की नहीं माननी, ठीक है ना। आज जो मैं बोलूंगा वही होगा, वरना आपका सारा प्रोग्राम कैंसिल हो जाएगा। किस चीज भाई, आज मुझे चावल खिलाओ। नहीं, आज मैं कुछ पकाने में नहीं दे रहा,
ठीक है, तुम तो चावल कह रहे हो भाई, ये तुम्हारी सोच है, लेकिन मेरी सोच ये है कि आज बिरयानी इधर पकी रहेगी भाई, रोटी खाएंगे ठीक है ना, और चावल खाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह आज चावल बनाएंगे ठीक है ना। और दूसरी बात ये है, आपका काम भी मेरे पास फंसा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह आपका काम भी फंसा हुआ है मेरे पास, और आज चावल खिलाओगे तो आपका काम होगा, नहीं तो मेरा कोई वास्ता नहीं, आज चावल ही खाऊंगा मैं बस, ये मेरा एंड है। और मैंने अपनी बात आप लोगों को बता दी है ठीक है ना, तो फाइनली ये बात है, आप लोगों का सुबह काम हो जाएगा और आज मैं चावल खाऊंगा, बड़े बड़े वाले चावल ठीक है, बस कोई बात नहीं है। ये तो और ज़्यादा होते हैं, इसको तुम ऐसे नपते हो, कोलगेट लगाते हो ऊपर, ऊपर क्रीम लगाते हो, कोई और चीज़, कोई ट्यूब शूब कुछ नहीं लगाते, ये ठीक हो जाएगा। कैप्सूल खा छोड़ा वेलो से, हाँ वो खा लो भाई। आज किसी को यहाँ पर घर में खाना नहीं बनाने देना सिवाय चावल के, ठीक है, चावल बनेंगे और चावल ही बनेंगे। ये फैसला मैंने कर दिया, अगर ये फैसला पूरा नहीं होगा ना, तो जो फैसला मैंने किया है वो भी पूरा नहीं होगा, बस ठीक है, मुझे समझ आ रही है। अगर ये फैसला पूरा नहीं होगा तो इधर मुंह करके बात करो, उधर पुछ पुछ नहीं करो, इधर बात करनी हो ना इधर कैमरे के सामने बात किया करो, उधर पुछ पुछ नहीं किया करो। मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये काम होगा तो होगा आज, ठीक है ना, और आज यहाँ पर बिरयानी बनेगी और चावल बनेंगे, अगर नहीं बनेंगे तो सब काम वैसे के वैसे रह जाएंगे, फिर मुझे नहीं बोलना कि आपने अच्छा नहीं किया। बस मेरा ये फैसला है, आज मैंने ये फैसला कर दिया, जो बंदा मेरी बात पे खड़ेगा ठीक है ना, जो मेरी बात मानेगा मैं भी उसकी बात मानूंगा। तो खर्चा तो मैं चल रहा हूँ अभी अभी भाई, मुझे शाम को चावल चाहिए और आप लोगों का सुबह काम हो जाएगा। हमें जो है ना खर्चा चाहिए भाई, मेरी बात सुनो, मुझे शाम को चावल चाहिए, आपका सुबह काम हो जाएगा। हमें खर्चा चाहिए, हमें मिल जाए तो चावल भाई जान, जो बोल रहा हूँ ठीक है वो है बस, इसके अलावा कुछ नहीं है ठीक है, तो आपकी मर्जी है, मैं तो वैसे भी शाम को जब आऊँगा मैंने चावल ही खाने। अब यार चावल खाने क्या इरादा है, खाओ आपका, आपका क्या इरादा है? मार्केट में बड़े चावल पके पे हैं यार, मार्केट में तो वो जो पक रहे हैं वो तो लोगों के हैं, वो कह रहा है कि जो देगे बनती है ना मार्केट में, देगे बनाने वाला वो तो लोगों की बनाते हैं, हमारी थोड़ी बनाता है, हमें तो नजदीक भी नहीं आने देगा देख के। वो चौक पे जाकर उसके चावल छोले वाले से चावल खा रहे, वो खत्म हो गए होंगे, आप शाम को बनाएंगे घर में। अच्छा हाँ बना लो, उसके लिए रोकड़ा, रोकड़ा हाँ जी रोकड़ा ले आएंगे। अच्छा फिर पहले रोकड़ा ना बाद में चावल। अच्छा चलो ठीक है, पहले रोकड़ा बाद में चावल, पहले रोकड़ा बाद में चावल, पहले रोकड़ा बाद में चावल, पहले रोकड़ा पहले रोकड़ा बाद में चावल। रोकड़े हो रही है, चलते हैं नमाज पढ़ने के लिए, नमाज पढ़ने के बाद फिर आप लोगों के साथ मिलते हैं, और आज मैंने चावल खाने हैं तो खाने हैं, मैंने एंड कर दिया यहाँ पर, चावल मैं खाऊंगा बस। मैंने मेरे घर की पूरी फैमिली में से ना किसी बंदे ने मेरी बात पे तवज्जो बिल्कुल भी नहीं दी, मैं बोल बोल के थक गया, किसी ने मेरी बात पे तवज्जो नहीं दी, अबू को भी बोला, अबू ने बोला जाओ भी अपने लो और खाओ मेरा कोई वास्ता नहीं है, और इस बंदे को बोला इसने कहा जाओ भी लो मेरा कोई वास्ता नहीं है, इस बंदे को बोला इसने कहा जाओ भी लो मेरा कोई वास्ता नहीं है, अभी ये देखो फोन पे लगा हुआ है। तो मैंने बोला चलो भाई ठीक है, अगर किसी का कोई वास्ता नहीं है तो भाई ये चावल मंगवा लेते हैं हम, और हम खुद भी खाएंगे और इनको बिल्कुल हम देंगे भी नहीं ठीक है ना। अभी मैंने बाइक स्टार्ट की है तो मैंने सलमान को बोला कि जाओ, और वहाँ पर दोस्त है मेरा करियाना वाला, उससे जो है ना मेरा नाम बोल के ना उधार ले आओ चावल, आज चावल मैंने खाने, जब मुझे जिरनी आ जाती है ना चावल खाने, मैं जब बोल दूँ कि मैंने चावल खाने हैं तो खाने हैं यार, बस आज चावल ही बनेंगे घर में। इसके अलावा अभी भेज रहा हूँ मैं सलमान को, तो ये जाएगा अभी सामान ले आएगा और जो है ना चावल बनाएगा। और तू ये कहाँ का टू लेके जा रहा है? चलो सही है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सलमान जो है ना सामान लेने के लिए गया, मैंने उसको भेजा सामान ले आओ, और यार बाइक इधर से हटा लो यार, बाइक इधर से हटा लो यार, मिर्जान जाए टूट ना जाए, इधर से हटा दो, हाँ आगे की तरफ कर दो, तो इंशाल्लाह वो सामान ले आएगा, फिर इंशाल्लाह बिरयानी बनाएंगे, वो आप लोगों के साथ दूसरे ब्लॉग में शेयर करेंगे इंशाल्लाह। तो इस ब्लॉग का यहाँ पर एंड करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।